जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी ने 501, 502, 503 का एग्जामिनेशन दिए थे, तो उस वक्त जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छे परसेंटेज में हुए थे। लेकिन लोगों के मन पर इस बार यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार कितने परसेंट रिजल्ट आने की संभावना है। तो यदि आप नहीं जानते हैं कि इस बार कितने परसेंट रिजल्ट के आने की संभावना है, तो यह वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से जरूर देखते रहें, और आपको हम बताएंगे पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा जो है डिटेल्स में बताएंगे कि आपको इस बार जो है कितने परसेंट रिजल्ट होने की संभावना है। तो अंतिम तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी को वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर डीसेस क्लास। हमारे डीसेस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड कहते हैं, उन सारे कैंडिडेटों के लिए जो एनआईएससी कर रहे हैं उनके लिए आज बहुत ही खास एंड जबरदस्त इन्फॉर्मेशन लाए। आज के सेक्शन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनआईएससी जो डीएलएड कर रहे हैं उन सभी का जो कोर्स 504 और 505 का जो रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट कितने प्रतिशत जो है रिजल्ट होने की संभावना, तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो डिटेल्स में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो अंतिम तक जरूर देखते रहें। पहले हम बात करेंगे कि वैसे कैंडिडेट जो ओमार सीट में अगर आप गलती किए होंगे तो वे सभी का रिजल्ट जो है रुकने वाले हैं। तो उस चीज़ को अगर आपने जैसे कि यह यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो ओमार सीट है इसमें अगर आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई अगर मिस्टेक किए होंगे तो या ओवर राइटिंग किए होंगे ओमार सीट को भरने में, जैसे कि यहाँ पर अपना रोल नंबर यानी इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालने थे, तो डालने के बाद जो यहाँ गोल गोल जो है घेरने के लिए ही दिए गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है सिर्फ लिख दिए लेकिन घेरना भूल गए। अगर घेरे हैं तो कहीं कहीं पर दो दो को घेर दिए, कहीं पर तीन ठो घेर दिए, कहीं पर किसी लाइन पर छूट गए। यदि आपने इस टाइप से मिस्टेक है तो आपका जो है रिजल्ट ए बी करके आ सकते या रिजल्ट ही नहीं आएंगे। इसके साथ साथ सेंटर कोड या सब्जेक्ट कोड में अगर आप मिस्टेक किए हैं तो इस पर भी आपको डिपेंड कर सकता है, आपका रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ सकते हैं। यहाँ पर नाम में भी अगर आपने गड़बड़ी किए हैं तो नाम में भी इफेक्ट भी आपके पड़ सकते हैं। तो आप नीचे हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपने अपने ओमार सीट पर किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी किए थे या नहीं किए थे। यदि आपने किए होंगे तो आपका रिजल्ट रुकने की संभावना है, लेकिन उससे पहले हम क्या कर दें ताकि मेरा रिजल्ट रुके नहीं, यदि आप उसका सोल्यूशन कम्प्लीट सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्योंकि ओमार सीट पर जो है ना ही ओवर राइटिंग करने के लिए बोले गए थे और ना ही दोबारा दो दो लाइनिंग यानी दो दो तो गोल गोल घेरने के लिए बताए गए थे, यानी कि जिस नाम से आपको शुरू होते हैं वही लेटर को ही घेरने थे, ना ही दो ना ही तीन ना ही छोड़ने थे। आपको अगर इस टाइप से कंप्लीटली अगर आपको भरें तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपका रिजल्ट 100% आएंगे। अगर आपने ओमार सीट में गलती कर दी है तो आपको हो सकते हैं रिजल्ट में परेशानी के सामना करना पड़ सकते हैं। तो यह तो बात थी कि आपको रिजल्ट को लेकर, अगर हम और इसके बाद हम लोग चलते हैं परसेंटेज को लेकर, जो कि हमारा टॉपिक्स थे आज का टॉपिक्स थे कि परसेंटेज कितने परसेंट रिजल्ट होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जो है यह जो न्यूज़ है यह पिछला सेमेस्टर यानी कि 501, 502, 503 का जब रिजल्ट हुए तो उस वक्त यह न्यूज़ दिए गए थे। उस वक्त जो है सबसे पहले जो है दिए गए थे जब रिजल्ट आए, तो रिजल्ट आने के बाद जो यहाँ पर न्यूज़ छपे तो न्यूज़ में लिखे थे कि डीएलएड का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया और 95% अभ्यर्थी जो यहाँ पर 95% जो है शिक्षक जो है उत्तीर्ण हुए, यानी कि 501, 502, 503 में जो है 95% जो है लोग जो है उत्तीर्ण किए गए थे। क्या इस बार भी 95% होने वाले? क्या इस बार 95% से कम होने वाले? क्या इस बार 95% से ज़्यादा होने वाले? तो इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि 501, 502, 503 का एग्जामिनेशन को रिजल्ट को लेकर, तो यहाँ पर जो 75% जो है एनआईएस के चेयरमैन ने जब पहले ही जब रिजल्ट नहीं आए थे उससे जस्ट एक महीना पहले जो है बताए गए थे कि आप सभी का जो रिजल्ट है 75% कैंडिडेट जो है पास होंगे, अब बाकी जो 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि किसी न किसी कारणवश उन सभी का रिजल्ट जो है स्टॉप कर दिए गए, रोक दिए गए। लेकिन जब ओरिजिनल में जब रिजल्ट आए तो वहाँ पर जो है लोगों का 95% वहां पर रिजल्ट जो है देखने के लिए मिले। तो क्या इस बार जब 504, 505 का जब रिजल्ट आएंगे तो क्या 505, 504 का रिजल्ट आएंगे तो उस वक्त भी हमें 90% देखने के लिए मिलेंगे या 75% जब देखने के लिए मिलेंगे? यानी कि यहां पर रिजल्ट का बात कहते हैं 504, 505 को, तो यहां पर जो सबसे बड़ी मुद्दा की बात है, क्या रिजल्ट 75% होंगे? क्या रिजल्ट 95% होंगे? क्या रिजल्ट 100% यहाँ पर रिजल्ट होंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखें
जाए तो यहाँ पर यह चीज़ आप कह सकते हैं, इस चीज़ का अगर पूरा कंक्लूजन निकाल लेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट को लेकर अभी ऑफिशियली यहाँ पर सिर्फ एक बात निकल के आ रही है यहाँ पर कि सारे कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं सबको यहाँ पर पास करने की संभावना जताई जा रही है, कोशिश किए जा रहे खास करके उन लोगों को जिसमें जो जो ओमार सीट में, अगर ओमार सीट जो है ओमार सीट में अगर आप किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं किए तो आपका रिजल्ट 100% रिजल्ट आपका आएंगे और अच्छे परसेंटेज आपका रिजल्ट आएंगे, पहला यह मुद्दा देखेगी। और जिनका जो है ओमार सीट में अगर आप गड़बड़ी पाएगी हैं तो उनका रिजल्ट में ये भी या किसी भी किसी कारण हो सकते हैं रुक सकते हैं, तो आपको परेशानी का सामना थोड़ी सी करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है दूसरी बात है कि 95% रिजल्ट इस बार होंगे कि 100% रिजल्ट होंगे, यहाँ पर एक बात बता देना चाहेंगे कि 100% रिजल्ट देने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर 100% रिजल्ट अगर आएंगे तो NIS को MSRD जो है इनका जो हेड ऑफिस है वो उनको जो है जवाब देने पड़ सकते हैं कि आपका ऐसा क्या आपने पढ़ा है जो कि 100%, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कहीं पर भी अगर डायरेक्टली अगर 100% का रिजल्ट अगर आते हैं इतनी भारी संख्या में 13 से 15 लाख कैंडिडेट के बीच में अगर सारे लोगों पास कर जाते हैं तो काफ़ी सवाल काफ़ी क्वेश्चन उठ सकते हैं जिसके कारण 100% रिजल्ट होने की कोई संभावना नहीं। हाँ यह चीज़ कह सकते हैं कि इस बार भी 95% या 95% से 1-2% हो सकते हैं ज़्यादा रिजल्ट आए, लेकिन 95% से कम यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 95% से कम आने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है फेल होना, ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अगर आप फेल होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन होंगे? NIS, ठीक है, तो फिर से क्या होंगे, फिर से इनको जो है एग्जामिनेशन लेने पड़ेंगे, पूरा अटेंडेंट करने होंगे, बहुत सारे जो एक्सपेंड करने पड़ते हैं। आप तो क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कोर्स 501 से लेकर 505 में किसी में फेल हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 250 रुपीज़ डालकर आप फिर से दोबारा एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आप अवेलेबल यानी कि कैपेबल हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ 250 रुपीज़ ही देना आप तो आसानी समझते हैं, लेकिन इसके पीछे NIS को 250 रुपीज़ के पीछे बहुत सारा चीज़ को सेटलमेंट करने होते हैं, आपका कॉपी को सही जगह पहुंचाना, पूरा सिक्योर के साथ कॉपी को पहुंचाना, किसी भी प्रकार कोई लीक्स ना होना, और बहुत सारे एसटीडी सेंटर पर बात करना, एग्जामिनेशन सेंटर पर बात करना, यानी कि तरह तरह का प्रॉब्लम होते हैं NIS, तो NIS कभी नहीं चाहेगी कि जो है आपका रिजल्ट रुके। इसके साथ साथ ये और एक बात खास ख्याल रखें कि आप सभी का जो है पूरा का पूरा जो है 31 मार्च 2019 तक एट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी हालत में 31 मार्च से पहले पहले जो है 31 मार्च तक आप सभी का NIS का जो DLED कोर्स है वो कंप्लीट करना अनिवार्य अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार सारे शिक्षकों को बता दिया गया कि आप सभी को ट्रेंड होना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो शिक्षक है वो पोस्ट से आप रद्द हो जाएंगे, वंचित हो सकते हैं, इसीलिए आप सभी चिंता ना करें, आप सभी का रिजल्ट जो है अच्छे आएंगे, बट 100% सारे लोग पास नहीं होंगे, इस चीज़ तो क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग जो है फेल होंगे, यहाँ पर ज़्यादातर लोग मैक्सिमम परसेंट जो है पास होंगे, वही कैंडिडेट बोले ना कि वही कैंडिडेट है जो कि ओमार सीट में मिस्टेक हुए होंगे, या आप नहीं अगर अच्छे से डील किए होंगे, छोटे छोटे आंसर दे दिए होंगे, काफ़ी ओवर राइटिंग किए होंगे, राइटिंग अच्छे नहीं होंगे, तो वे सारे कैंडिडेट जो है रुक सकते हैं उन सभी का रिजल्ट। तो नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर आप व्यक्त करें कि आप इस बार रिजल्ट कितने परसेंट चाहते हैं, 75% रिजल्ट लाना चाहते हैं कि 95% रिजल्ट या 100% रिजल्ट, तो कितने परसेंट, कम से कम कितने परसेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर आप जिक्र करते हैं 75% यानी कि 25% फेल होंगे, इसका मतलब अगर आप कहते हैं कि 95% रिजल्ट होने चाहिए यानी कि 5% कैंडिडेट का जो रिजल्ट जो है नहीं आएंगे, और यहाँ पर अगर 100% का कहते हैं यानी कि सारे का सारे स्टूडेंट यहाँ पर पास होंगे, तो कितने परसेंट आप रिजल्ट चाहते हैं अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, इससे यह आभास होंगे कि आखिर आप सभी का उम्मीद कितने परसेंट होने की, क्योंकि यहाँ पर आपको कितना परसेंटेज आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, आपसे बेटर कोई नहीं बता सकते, क्योंकि कॉपी में जो है आप कैसा लिखे मैटर को वो आप जानते हैं, आपको पता है कि अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अगर 1 से 1.5 पेज लिख कर आए हैं तो सिंपल सा बात है, उसमें 10 मार्क्स या 2 मार्क्स भी अगर मिल जाए तो बहुत है, इसीलिए आप
कैसा कॉपी में लिखे वो आपको पता होंगे कि आपका रिजल्ट कितने परसेंटेज आने की संभावना है। तो नीचे अपने कमेंट करके जरूर विचार करें। इसी के साथ साथ आप यह भी कवर करें कि आपने ओमार शीट में कोई ओवर राइटिंग की है, कोई डबल पॉइंटिंग कर दी है, किसी प्रकार का मिस्टेक की है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ आप बताएं कि इसकी सुधार कैसे की जाएगी, यहाँ पर हमें कहाँ पर प्रॉब्लम है। आने वाले वीडियो में हम इससे और डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो यह वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ।